नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आज हम हैं मदनपुर खादर के जलेबी चौक पे। ये यमुना के पीछे का हिस्सा, जो यमुना का कभी कभी डूब क्षेत्र भी कहते हैं, उसे हम खादर कहते हैं, जहां यमुना कभी कभी बरसात में अतिक्रमण कर देती है या बाढ़ आ जाती है। ऐसा क्षेत्र है दिल्ली का, दिल्ली के साउथ में आता है मदनपुर खादर। ये अपोलो हॉस्पिटल के पास में है और आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ सफाई व्यवस्था का हाल है, कितनी गंदगी है। और जो लोग गौ भक्त हैं, बहुत ज़्यादा गाय की बात करते हैं, आज देखिए गाय यहाँ पे पॉलीथीन खा रही हैं। पॉलीथीन के अंदर खाना है तो गाय पॉलीथीन को निगल जाती है और सीधा सीधा खा लेती है। बहुत ही गंदगी है, बहुत बुरी बदबू है। जलेबी चौक है ये, ना नगर निगम यहाँ गाय का कोई काम दिख रहा है, ना ही यहाँ पर आपको अन्य संस्थाएँ जो दिल्ली की हैं, दिल्ली सरकार हैं, जो दावा करती है उन्होंने दिल्ली को पेरिस बना दिया है। ये पेरिस है, अगर ऐसा पेरिस है तो हमें ऐसी सरकारें नहीं चाहिए, हमें पार्टी की सरकारें नहीं चाहिए, हमें अब जनता की सरकार चाहिए, जनता जो अपनी बात कहे। क्या कहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए विकास कितनी दूर तक पहुंच रही है, ये देखिए विकास है इन पार्टियों का। तो एक वो लुटियंस दिल्ली है और एक ये दिल्ली है। हर जगह दिल्ली में यही हाल है, हर जगह दिल्ली में यही हाल है। आप सारी पार्टियां यही करती हैं, यहाँ के सांसद सो रहे हैं, यहाँ के पार्षद सो रहे हैं। देखिए क्या हाल है, गंदगी से बदबू मार रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है यहाँ पर, और लोग कैसे जी रहे हैं जो कि जागते नहीं है। जनता को आज जागने की जरूरत है, जनता की सरकार बनाने की जरूरत है। यहाँ पे हर महिलाओं को घर से आके शिकायत करने की जरूरत है, पार्षद को जगाने की जरूरत है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जो कोने पे सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबाइए, हमें सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आगे बढ़ाइए। मनोज सुराजी मिनी संसद से जय हिंद।